हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू फरी एकवार कॉन्स्टेबल टेस्ट में। ओके, आज आप मोस्ट इम्पोर्टंट 20 क्वेश्चन साथ मळ्या छे जे गुजरातना जीके ने रिलेटेड है। ओके, तो अहीं थंबनेल में जो क्वेश्चन आपेलो है कि गुजरात में मळी आवेल सौप्रथम हड़प्पियन संस्कृतिनुं स्थळ एटले के रंगपुर 1931 ओके सुरेन्द्रनगर में मळ्युं हतुं। चलो, प्रथम प्रश्न मस्त मजानो आवी गयो छे कि जय जवान, जय किसान अने जय विज्ञान सूत्र कोणे आप्युं हतुं। त्रण वार जो आवे ने विद्यार्थी मित्रों, जय जवान, जय किसान अने जय विज्ञान, तो हूँ तमने कहूँ छूँ एक ज जवाब आपे आमां अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, ऑप्शन तो आपेला है नरेन्द्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, पण जवाब आवशे तमारो अटल बिहारी वाजपेयी आपेला हता आपणे 3 वार जय जय बोलवाना नारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आवी गयो छे कि नीचेनामांथी कई बाबते डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साथे संकळायेली नथी। ओके, आपड़ा एवा बंधारणना मोस्ट कार्यकर्ता जेमणे बंधारण विषे घणुं बधुं रिलेटेड है, तो ए भीमराव आंबेडकर साथे कई बाबत संकळायेली नथी। पूना करार, साहू महाराज अने बंधारण, सयाजीराव गायकवाड़, गोळमेजी परिषद अने मरणोत्तर भारत रत्न मेळवनार, अने तीजू है हिंद कोड बिल, बौद्ध धर्म अने नागपुर, अने चौथू है राजघाट, 3 मूर्ति भवन अने शक्ति स्थल। तो आमांथी कयो एवो विकल्प है जे भीमराव आंबेडकर सर साथे जोड़ायेलो नथी? तो अहीं तमारो साचो जवाब है डी एटले के राजघाट, 3 मूर्ति भवन अने शक्ति स्थल है ए जोड़ायेलू नथी, कारण के राजघाट अने शक्ति स्थल तो समाधिना नाम है। ओके, अने 3 मूर्ति तो अलग शब्द पड़े छे, तेथी आ जे क्वेश्चन आ जे विकल्प है ए बाबा साहेब आंबेडकर साथे जोड़ायेलो नथी। ओके, आवी ज रीतना हवे तमने बंधारण में क्वेश्चन पूछावानी संभावना है। ओके, विकल्पवाड़ा पूछे एमां विधानोवाड़ा सवाल आवशे। चलो, तीजा नंबरनो क्वेश्चन आवी गयो छे कि कुमार सामायिकना स्थापक अने संपादन कोण हता? ओके, आ जे कुमार सामायिक छे एना स्थापक अने संपादन कोण हता? बचुभाई रावत, रविशंकर महाराज, चांपानसीभाई उदेसी, हाजी अल्लारखा शिवजी। तो अहीं साचो जवाब छे रविशंकर रावळ जे हता ए कुमार सामायिकना स्थापक अने संस्थापक हता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामदाननो विचार कोणे आपेलो? ओके, ग्रामदाननो विचार कोणे आपेलो? गांधीजी, दादा धार्मिधिकार, जयप्रकाश नारायण के विनोबा भावे? तो अहीं तमारो साचो जवाब है डी एटले के विनोबा भावे आपेलो दादा ग्रामदाननो विचार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुजरात में ग्रंथालयना पुरस्कर्ता कोने गणवामां आवे छे? ओके, आपड़ा गुजरातना जे ग्रंथालय आवेला छे ना पुरस्कर्ता कोने गणवामां आवे छे? एलेक्जेंडर किल्लो फॉप्स, फतेहसिंहजी गायकवाड़, राव खेंगरजी त्रीजा के पछी मोतीभाई अमीन? तो अहीं तमारो साचो जवाब छे मोतीभाई अमीन जे छे एने गणवामां आवे छे गुजरातना ग्रंथालयना पुरस्कर्ता। ओके, तमारा केटला साचा पड़े छे 20 मांथी ए कमेंट करीने जणावो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में लोकनायक तरीके कोण ओळखाय छे? आ जे शब्द है ने लोकनायक, ए शब्द कोनी साथे संकळायेलो छे एवो पण क्वेश्चन बनी सके। तो लोकनायक कोने ओळखवामां आवे छे? जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बबलाभाई मेहता के विनोबा भावे? ओके, तो अहीं तमारो साचो जवाब है जयप्रकाश नारायण ने ओळखवामां आवे छे भारतना लोकनायक तरीके। ओके, अने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो तमने ख्याल ज छे आपड़ा आर्यन मैन। ओके, मार्वेलवाड़ा आर्यन मैन एटले के लोखंडी पुरुष। ओके, अने आ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदारनु बिरुद मळ्युं हतुं भीखी बहन। ओके, बाडोलीनी जे बहनों हती ए बहनोए आने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदारनु बिरुद आप्युं हतुं। एमांथी बी मोस्ट पूछाई जाए तो बहननुं नाम जणावो तो भीखी बहन करीने नाम हता ए महिलाए एमने सरदारनु बिरुद आप्युं हतुं। ओके, डन छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के डिजिटल ट्रांजेक्शन माटेनी भीम एप वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदीए कोना स्मरणार्थे लॉन्च करी हती? ओके, अहीं वात थाय छे भीम एपनी। तमे हमणां हालमां गूगल पे, फोन पे एवी रीतना पेमेंट करता हशो तो भीम पे नामनी पण तमे एप्लिकेशन वापरता हशो। ओके, तो ए भीम एप वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए कोना स्मरणार्थे लॉन्च करी हती? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधीजी के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर? तो साचो जवाब है तमारो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरना स्मरणार्थे नरेन्द्र मोदीए लॉन्च करी हती। ओके विद्यार्थी मित्रों, चलो डन छे। नेक्स्ट क्वेश्चन के इंडिया विन्स फ्रीडम ना लेखक कौन छे? ओके, आज इंडिया विन्स फ्रीडम छे ना लेखक कौन छे? अब्दुल कलाम, शेक्सपियर, रिचार्ड बर्च के जोहान रस्किन। तो अहीं तमारो साचो जवाब छे कि अब्दुल कलाम जे छे ए इंडिया विन्स फ्रीडम ना लेखक छे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान। आ पहला ज क्वेश्चन में आपणे जोई गया कि त्रण वार जो जय आवतो होय विद्यार्थी मित्रों तो अलग माणस हता अने अहीं छे बे वार जय जवान अने जय किसान। आ विधान कोणे आप्युं हतुं? तो विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बाळ गंगाधर तिळक। तो अहीं तमारो साचो जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। आपणे जय जवान अने जय किसान नामनुं सूत्र आप्युं हतुं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के कापड़ उद्योगना विकास माटे विक्रम साराभाईए कई संस्था स्थापी हती? ओके, मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन, कारण के आ क्वेश्चनों घणी वखत एक्जाम में पूछाई गया है अने आनी रिलेटेड। ओके, सुतराव कापड़ उद्योग जे छे एना रिलेटेड घणी वखत एक्जाम में पूछाता होय छे। तो कापड़ी उद्योगना विकास माटे विक्रम साराभाईए कई संस्था स्थापी हती? अटीरा, इसरो, PRL के स्टेप। तो अहीं साचो जवाब है अटीरा। ओके, अने आ अटीरा अपना गुजरात में क्या आवेली छे ए तमे मने कॉमेंट में जणावो। हूँ हिंट आपू छूँ, अमदावाद अथवा तो आपणु ग्रीन सिटी एटले के गांधीनगर। आ बे सिटी में थी एक सिटी में तमारे मने कॉमेंट में जणाववानुं छे कि आ बे सिटी में थी कई एवी सिटी छे ज्यां अटीरा आवेली छे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमदावाद में महिलाओं माटे कार्य करता ज्योति संघ नामे संस्थानुं उद्घाटन अने नामांकरण कोणे करेलुं? ओके, वात थाय छे ज्योति संघनी, तो एनुं संस्थानुं उद्घाटन अने नामांकरण कोणे करेलुं हतुं? मृदुलाबेन साराभाई, ज्योतिबा फुले, महाराणी चीमनभाई पहला के पछी महात्मा गांधी। तो अहीं तमारो साचो जवाब छे महात्मा गांधी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छे कि सहकारी धोरणे खांड उद्योगना प्रणेता कोण छे? ओके, सहकारी धोरणे चालता खांड उद्योगना प्रणेता कोण छे? श्री बाबूभाई पटेल, श्री माधाभाई लाल के डॉक्टर जयंतीभाई पटेल के श्री गोपाल आर पटेल। तो अहीं तमारो साचो जवाब छे कि श्री गोपाल आर पटेल जे छे आपड़ा सहकारी धोरणे चालता उद्योग खांड उद्योगना प्रणेता छे। ओके, जो विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं विद्यार्थी मित्रों। चलो IIMA नी स्थापनानुं श्रेय कोना फाड़े जाय छे? ओके, आ संस्थानुं नाम छे IIMA। ए संस्थानुं स्थापना कोने फाड़े जाय छे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के अटल बिहारी वाजपेयी। तो साचो जवाब है डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई जे छे एमना फाड़े जाय छे IIMA नी स्थापना। ओके चलो आना पछीनो जे लेक्चर आवानो छे आपणो हमणा लगभग 34मो लेक्चर चाले छे अने 35मो भाग एटले के 35मो भाग आवे छे। एमां मैथ अने रीजनिंगना मोस्ट इम्पोर्टंट जे तमने आवनारी कॉन्स्टेबल में जोवा मळशे एना रिलेटेड ए कंटेंट प्रमाणे 10 क्वेश्चनों मूकेला छे। ओके चलो 16मा नंबरनो सवाल छे कि अमूलना आद्य स्थापक कोण हता? ओके, अमूलना आद्य स्थापक कोण हता? डॉक्टर वी कुरियन एटले के डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्री राम सिंह परमार के त्रिभुवनदास पटेल के मोतीभाई चौधरी। तो अहीं तमारो साचो जवाब है कि त्रिभुवनदास पटेल जे छे ए अमूलना आद्य स्थापक हता अने आमनी स्थापना गुजरात में सौप्रथम अमूलनी स्थापना आपड़ा त्रिभुवनदास पटेले करी हती। ओके, अने आ तो श्वेत क्रांतिना पिता एटले डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतना सहकारी आंदोलन ने राजकारण थी दूर राखशो आ कथन कोनु छे? ओके, अहीं एक वाक्य आपेलू है भारतना सहकारी आंदोलन ने राजकारण थी दूर राखशो आ कथन कोणे आपेलू है अथवा कोणे करेलू? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, જવાહરલાલ નહેરુ કે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે. તો અહીં તમારો સાચો જવાબ છે સી એટલે કે જવાહરલાલ નહેરુનું કથન છે કે ભારતના સહકારી આંદોલનને રાજકારણથી દૂર રાખશો. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપણા વિડીયો ગમતા હોય ને તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને બને ને તેમ તમારા 3 મિત્રોને શેર કરજો અને એમને પણ કહેજો કે એ લોકો 3 મિત્રોને શેર કરે જેથી કોન્સ્ટેબલમાં એમને પણ થોડા ઉપયોગી બની રહે આપણા ક્વેશ્ચન. ઓકે ચાલો લાંબો એવો ક્વેશ્ચન આપેલો છે પણ ક્વેશ્ચનમાં કંઈ જ લેવાનું નથી. ઓકે ક્વેશ્ચન આપણે વાંચીએ કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અધ્યાપક આચાર્ય તરીકે સેવાઓ આપી અને ગાંધીજી તેમને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. બરાબર ઘણા બધા એમના નામ આપેલા છે કે ગુજરાતમાં વિદ્યાપીઠમાં અધ્યાપક રહ્યા આચાર્ય તરીકે સેવા આપી અને ગાંધીજીએ એમને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. તે લેખક કોણ હતા? તો સિમ્પલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાકા સાહેબ કાલેલકર ને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે જાણતા હતા કે ગાંધીજી એમને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે ઓળખાવતા હતા. ઓકે ચલો બીજા બધા વિકલ્પ કંઈ જોવાની જરૂર નથી. સવાઈ ગુજરાતી આવે એટલે કાકા સાહેબ કાલેલકર આવે. જેવી રીતના તમને આગળ આપણે જોઈ ગયા કે વલ્લભભાઈ પટેલ હોય તો એમની જોડે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જ આવે. ઓકે મહાત્મા ગાંધીજી, જો ગાંધીજી હોય તો મહાત્માનું વિરુદ્ધ એમને મળેલું છે તો મહાત્મા ગાંધીજી જ આવે. એવી રીતના સવાઈ ગુજરાતી હોય એટલે કાકા સાહેબ કાલેલકર આવે. ચલો ગૌરાવંત ગુજરાતી ચંદુલાલ માધાલાલ ત્રિવેદીને 1946-47 દરમિયાન કયા રાજ્યના ગવર્નર તરીકે નિમવામાં આવ્યા હતા? ઓકે તો ગૌરાવંત ગુજરાતી ચંદુલાલ માધાલાલ ત્રિવેદીને 1946 અને 1947 દરમિયાન કયા રાજ્યના ગવર્નર તરીકે નિમવામાં આવ્યા હતા? કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, ઓરિસ્સા કે તમિલનાડુ? તો અહીં તમારો સાચો જવાબ છે ઓરિસ્સા. सी विकल्प तमारो साचो जवाब थी जैसे कि ओरिस्सा राज्यना ए लोग गवर्नर बन्या हता के पछी निमवामां आव्या हता. ओके चलो आजनो लास्ट क्वेश्चन है आ मोस्ट इम्पोर्टंट के पैसादारोए एकदम सादगी थी जीवन जीववू जोईए जेथी गरीबो पण सामान्य जीवन जीवी सके. आ विधान कोनु छे? ओके आ विधानों 1 થી 2 विधान पूछाता होय छे मोस्टली, जे आपड़ा भारत देशना वडाप्रधान है, राष्ट्रपति है के पछी गांधीजी है, सुखदेव है, रीते जे बे मोस्ट इम्पोर्टंट जे कैरेक्टर है ने विद्यार्थी मित्रों जे क्रांतिकारी वीरों है. ओके एमना अमुक सेंटेन्स पूछाता होय छे तो ये तमारे सेंटेन्स याद रखवाना. चलो एक आपणी जोड़े हमणां सेंटेन्स है कि पैसादारोए एकदम सादगी थी जीवन जीववू जोईए जेथी गरीबो पण सामान्य जीवन जीवी सके. आ विधान कोनुं छे? चाणक्य, सरदार पटेल, गांधीजी के बाबा साहेब आंबेडकर? तो अहीं तमारो साचो जवाब आवे छे आपड़ा महात्मा गांधीजीनू आ वाक्य छे. ओके चलो तो मळीए छे बीजा ज मोस्ट इम्पोर्टंट आगळना 10 मैथ्स अने रीडिंगना क्वेश्चन में. ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी मित्रों.